लक बाय चांस एपिसोड 139 अपना शहर। डिंपल रिया को मनाते हुए उसे पार्टी में जो हुआ था वो सब बताती है और रिया उसे वरुण को सॉरी बोलने की सलाह देती है। डिंपल का कॉल आने के बाद अपने पापा से बहस कर वरुण मिनी के साथ डिंपल से मिलने के लिए निकलता है और वर्धमान सरोज के पास जाते हैं इस बात से अनजान कि कोई लौट आया है। डिंपल जब से गौरव बासु के ऑफिस से वर्धमान सिंघानिया के नाम की फाइल देकर लौटी थी तब से उसका ध्यान उसी में लगा हुआ था। तब से वो बस ये समझने में लगी हुई थी कि आखिर उस पूरी लिस्ट का क्या मतलब था और गौरव ने ऐसा क्यों कहा कि वो उसके काम की चीज नहीं है। डिंपल अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि यूनिवर्सिटी के बाहर बस से उतरकर सड़क पार करते हुए भी वो एक गाड़ी से टकराने से बची और उस झटके से जैसे उसी वक्त उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और कुछ सोचते हुए डिंपल ने सड़क पार करके यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर घुसते हुए मुस्कुरा कर खुद से कहा, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। सीधी सी बात है, गौरव वर्धमान की फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में और क्या ढूंढ सकता है, उनकी ड्रग लैब। बाकी कहीं उसे वो लैब नहीं मिली है और बस एक स्पेयर पार्ट्स की फैक्ट्री को चेक करना बचा है जिसका मौका वो ढूंढ रहा है। डिंपल को पूरा यकीन था कि वो सही ट्रैक पर चल रही है और उसे इस बात का भी भरोसा था कि अगर ड्रग लैब और कहीं नहीं तो इस आखिरी फैक्ट्री में जरूर होगी और इसका पता वो लगा कर रहेगी। वरुण की बर्बादी की तरफ डिंपल ने एक और कदम बढ़ाया था और उसे इस बात की बहुत खुशी थी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस फैक्ट्री तक पहुंची कैसे। अपने ही ख्याली पुलाव पकाती और गौरव को मन ही मन थैंक यू कहती हुई जब डिंपल शाम को अपने हॉस्टल के कमरे में घुसती है तो देखती है कि रिया भी अभी हॉस्टल लौटी है और नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही है। रिया डिंपल को देखकर भी उसे इग्नोर करती है। वहीं डिंपल को अपने कल रात के बर्ताव पर बहुत पछतावा है। डिंपल को लगा था कि हर बार की तरह रिया कल की बात को भुलाकर उससे बात करना शुरू कर देगी, लेकिन डिंपल को ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए वो काफी देर इंतजार करने के बाद चेयर पर बैठी रिया को जाकर पीछे से हग करके थोड़ा इमोशनल होकर कहती है, सॉरी ना रियू, प्लीज मुझे माफ कर दे। भले रिया डिंपल के कहे इस एक सॉरी से पिघल गई थी, लेकिन वो उसे फिलहाल कोई जवाब नहीं देती और जो वो अपने नाखून काटने के काम में लगी थी उसमें लगी रहती है। डिंपल भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी, इसीलिए उसने कहा कि वो तब तक रिया को नहीं छोड़ेगी जब तक वो उसे माफ नहीं कर देती। और साथ ही ये भी कहती है, कल रात को मैं इतनी गुस्से में थी कि किसी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था और तुझे भी क्या ही बताती मैं कि क्या हुआ मेरे साथ। यह सुनते ही रिया तपाक से कहती है, देख जब तक तू मुझे कल रात की पूरी बात और मुझे ये पता नहीं चल जाता कि तू अपनी ही पार्टी से क्यों भाग गई, तब तक माफी भूल जा। रिया की बात सुनकर डिंपल की आंखों के सामने एक बार फिर पिछली रात का मंजर तैर जाता है और वो थोड़ा हिचकिचाती हुई सब कुछ बताती है कि कैसे आलिया ने उसे वरुण और अनुराग के बीच उर्वशी को लेकर लगी शर्त के बारे में बताया। बाकी लड़कियां जिन्हें अब तक वो अपना दोस्त समझती थी वो उसके बारे में कैसी बातें कर रही थी और आखिरकार वरुण और उर्वशी के बारे में जो बालकनी के अंधेरे के कोने में एक दूसरे की बाहों में थे। डिंपल की बातें सुनकर रिया आग बबूला हो गई और उसने डिंपल को डांटते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या डिंपल, ये सब होने के बाद तूने वरुण पर विश्वास न करके उर्वशी और आलिया की बातों पर भरोसा किया। तो खुद सोच कर देख, वो वरुण जिसके पास न जाने कितने होटल और रिजॉर्ट्स और बंगले हैं, वो और कहीं नहीं जाकर तेरी वेलकम पार्टी में ऐसा कुछ करेगा, वो भी उर्वशी जैसी लड़की के साथ। तू उर्वशी को नहीं जानती क्या, वो कैसी लड़की है, उसके कैसे शौक है। रिया की बातें सुनकर जैसे डिंपल की आंखें खुलती है और वो एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है। रिया आगे डिंपल को वरुण और अनुराग के बीच उर्वशी को लेकर लगी शर्त के बारे में बताती है कि कैसे अनुराग वरुण को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए उकसा रहा था, फिर भी वरुण ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन आलिया ने बीच में आकर पूरी बात बिगाड़ दी थी और अभी भी वरुण को उस शर्त में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उर्वशी ही आकर उससे चिपक रही है। पूरी सच्चाई जानने के बाद डिंपल को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं और ये देखने के बाद रिया डिंपल को फटकारते हुए कहती है, अब रोने से क्या होगा, तो अभी के अभी वरुण को कॉल करके उससे सॉरी बोल और उस उर्वशी को तो मैं बाद में देखती हूँ। और आलिया, मुझे तो हमेशा से ये लड़की गड़बड़ लगती है,
बस वरुण के सामने ऐसी मीठी छुरी बनती है ना। डिंपल को वरुण को कॉल करता देख रिया कमरे से बाहर निकल जाती है। वरुण को कॉल करके डिंपल इसी वक्त उसे यूनिवर्सिटी के पास के एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, इस बात से अनजान कि वरुण के घर पर एक अलग ही मुसीबत ने दस्तक दे रखी है। सिंघानिया हाउस में डिंपल का कॉल कटने के बाद जब वरुण अपने पापा शुक्ला जी और मिनी की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वो तीनों उसे ही घूर रहे हैं और वो थोड़ा हिचकिचाता हुआ कहता है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, अब उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाली है, लेकिन मेरा इस वक्त डिंपल से मिलना बहुत जरूरी है। इतना कहकर वरुण वहां से जाने के लिए मुड़ता है, तब तक वर्धमान उसे टोकते हुए कहते हैं, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, शंकर तुम्हारे साथ जाएगा। वरुण को इस वक्त डिंपल से मिलने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए वो बिना रुके ही कहता है, अगर अभी तक रतन ने कुछ नहीं किया है तो इस एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा पापा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वरुण को अपनी बातों को इस तरह नजरअंदाज करता देख वर्धमान थोड़े गंभीर होकर कहते हैं, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलने जाने दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है वरुण, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें किसी कैदी की तरह तुम्हारे कमरे में बंद कर दूं। वर्धमान की ये बात सुनकर वरुण के साथ ही वहां बैठे शुक्ला जी और मिनी भी हैरान हो जाते हैं और वर्धमान आगे कहते हैं, पहले की बात और थी, लेकिन अगर इन हालातों में भी तुम शंकर को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है और मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दे सकता, इसीलिए अगर तुम बाहर जाओगे तो शंकर के साथ ही जाओगे, नहीं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिंपल का फैसला जानने के लिए वरुण का उससे मिलना बहुत जरूरी था और वो अपने पापा की बात को भी नहीं टाल सकता था, फिर भी वो शंकर के साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि शंकर उसकी एक एक बात की रिपोर्ट शुक्ला जी को देता है, इसीलिए वो कहता है, शंकर के जाने की क्या जरूरत है, मैं मिनी को अपने साथ ले जाता हूँ, आई एम श्योर मिनी के साथ मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। अपना नाम सुनकर पहले तो मिनी चौंक जाती है और जब उसकी नजरें वरुण से मिलती हैं तो वरुण को मुस्कुराकर देख मिनी मन ही मन खुद से कहती है, ये लड़का मुझे चैन से जीने नहीं देगा। वर्धमान के इशारा करने पर मिनी अपने कार की चाबी उठाकर बाहर जाने लगती है और वरुण उसके पीछे जाता हुआ कहता है, यूनिवर्सिटी के पास व्हाइट नाइट कैफे। मिनी के साथ जाते हुए वरुण के दिमाग में लगातार ये ख्याल चल रहा था कि डिंपल ने उसे क्यों बुलाया होगा, क्योंकि कल रात का उसका गुस्सा देखने के बाद ये मुमकिन था कि वो वरुण से ब्रेकअप की बात कह दे और उसे ऐसा होने का बहुत डर लग रहा था। वहीं वरुण के निकलने के बाद सिंघानिया हाउस में वर्धमान भी अपनी जगह से उठते हैं, जिसे देख शुक्ला जी परेशान होते हुए कहते हैं, अब आप कहाँ जा रहे हैं भैया जी, अगर इस समय वरुण का बाहर जाना ठीक नहीं है तो आपको भी घर में ही रहना चाहिए। इस पर वर्धमान मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुमने वरुण की बात नहीं सुनी, अगर इतने दिनों में हमारे आसपास होते हुए भी रतन के आदमियों ने कुछ नहीं किया तो वो आज भी नहीं करेंगे, वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ये सुनकर शुक्ला जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप बताइए कहाँ चलना है। वर्धमान जानते थे कि ऐसे माहौल में अगर वो शुक्ला जी को अपने साथ ले जाने से मना भी कर देंगे तो वो अपनी कार से उनके पीछे जरूर आएंगे, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ ही चलने को कहते हैं। वर्धमान के कहने पर शुक्ला जी कार को सिंघानिया हाइट्स होटल की तरफ ले जाते हैं और वो मन ही मन खुद से कहते हैं, अगर इस वक्त भी भैया जी को सरोज भाभी का ख्याल है, मतलब वो अभी भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। जल्द ही शुक्ला जी कार होटल के सामने रोकते हैं और वर्धमान शुक्ला जी को कार में ही इंतजार करने के लिए कहकर खुद अंदर जाते हैं। देर शाम इस वक्त किसी को भी वर्धमान के होटल में होने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए सब हड़बड़ाए हुए जहां थे वहीं रुक गए और वर्धमान सीढ़ियां चढ़ते हुए सरोज के कमरे के सामने पहुंच गए। वर्धमान के दरवाजा खटखटाने के काफी देर बाद सरोज ने जब दरवाजा खोला तो वर्धमान ने देखा कि सरोज के बाल बिखरे हुए और आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, फिर भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं, शाम को सोने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। वर्धमान को अपने सामने इस तरह मुस्कुराते हुए खड़ा देख सरोज को समझ नहीं आता कि ये कोई सपना है या हकीकत। वो बार बार पलकें झपकाकर अपना हुलिया ठीक करती हुई कहती है, अब तुम इस वक्त यहाँ, सब ठीक तो है ना, कोई काम था क्या।
लेकिन वर्धमान सरोज के सारे सवालों को सुनकर भी अनसुना करते हुए कमरे में घुसते हुए कहते हैं, हाँ काम तो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तुम फटाफट तैयार हो जाओ, हम होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने जा रहे हैं। वर्धमान की ये बात सुनकर जैसे सरोज की सारी नींद उड़ जाती है और वो हड़बड़ाहट में वर्धमान के माथे पर हाथ रखकर उनका टेम्परेचर चेक करती हुई कहती है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना वर्द, या तुमने शराब, तो तुम नशे में हो। ये कहते हुए सरोज वर्धमान के कपड़े सूंघने लगती हैं, जिसे देखकर वो हंसते हुए कहते हैं, मैंने कोई नशा नहीं किया है, मैं पूरे होश में हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं भूख के मारे बेहोश हो जाऊं, प्लीज जाकर तैयार हो जाओ। जहां मुसीबत के बीच भी वर्धमान को अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी वापस लौटती हुई नजर आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी बड़े से आलीशान कमरे में एक आदमी दीवार पर लगी बड़ी सी फोटो को देखता हुआ खड़ा था। दीवार पर टंगी फोटो और कोई नहीं बल्कि वही थी जो धूमकेतु की छोटी सी कंपनी के बाहर लगी थी, और उसमें कंपनी में काम करने वाले बाकी लोगों के साथ धूमकेतु के पास वर्धमान शुक्ला जी और रतन भी खड़े थे। सूट बूट पहने अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा वो आदमी बहुत देर से उस फोटो को देख रहा था और फिर एक जोरदार ठहाका लगाने के बाद गरजता हुआ बोला, अपने शहर अपने लोगों के बीच लौटने की खुशी ही अलग होती है, लेकिन मेरे हिस्से का राज बहुत भोग लिया तुमने वर्धमान सिंघानिया, अब एक मौका मुझे भी दो। ये कहकर वो आदमी फिर हंसने लगता है। क्या लौट आया है सिंघानिया परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या मोड़ लेगा डिंपल और वरुण का रिश्ता? जानने के लिए सुनिए लक बाय चांस का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।